भिलाई की ही बात करबो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के अवसर में आईस और ये अवसर में स्वयं बास्केटबॉल और फुटबॉल में हाथ आजमाइस। ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे कि भिलाई की पहचान पूरा एशिया में है। उल्लेखनीय है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया के लागत ले निर्मित ए स्टेडियम में बेल्जियम ले आयातित एस्ट्रोग्रास लगाए गए है। इसमें कई बच्चर तक संधारण के जरूरत नहीं होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल के 2 कोर्ट बनाए गए हैं, जिकर कारण खिलाड़ी अपन प्रतिभा निखार सके। सीट पे आपका नाम लिखा हुआ है। आज स्वर्गीय राजेश पटेल की स्मृति में ये बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम, जिसमें बास्केटबॉल भी है और फुटबॉल का भी है, अन्य खेलों के लिए भी इसमें व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर ये स्टेडियम बना है। और मैं भाई देवेंद्र को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वैसे भी भिलाई जहाँ इस्पात निर्माण के नाम से जाना जाता है, मिनी भारत के नाम से जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम है भिलाई का, उसी प्रकार से खेल जगत में भी भिलाई का विशिष्ट स्थान पूरे देश में है। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सब खिलाड़ियों को बहुत बधाई शुभकामना। ये हम लोग अपने यहाँ पे खेल को बढ़ावा देने के लिए हाउसिंग बोर्ड में एक क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। पहले हम लोगों ने सेक्टर 1 में महापौर परिषद के द्वारा स्वीकृत करके एक स्टेडियम बनाया, अभी सेक्टर 2 में हम लोग स्टेडियम का आज उद्घाटन किए हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल। इसके अलावा सेक्टर 9 में भी हम लोग स्टेडियम बना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चों को और अवसर देने के लिए रिसाली में भी हम लोग एक स्पोर्ट्स मैदान, एक खेल मैदान बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक खेल परिसर का कुर्सी पार में हम लोगों ने उद्घाटन किया और एक वहां पर भी स्टेडियम बनेगा। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने पिछले वर्ष उद्घाटन किया था। हम लोगों का लगातार प्रयास है, भिलाई एक मिनी भारत के स्वरूप में जाना जाता है। भिलाई के अंदर हर तरह की प्रतिभा है, आप हर फील्ड में देखो तो भिलाई के बेस्ट लोग निकलते हैं। तो खेल में भी हमारा भिलाई जो बहुत आगे था, उसके लिए यहाँ के बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, बेहतर कोचिंग देने के लिए हम लोग ये काम को लगातार कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।